स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल फंटेसी दूरदर्शन पे। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे बेसबॉल सेक्शन के एक शानदार मैच की प्रेडिक्शन की। जे मुकाबला मेजर लीग बेसबॉल का होगा तो जो खेला जाएगा अटलांटा ब्रेव्स वर्सेस रेड्स के बीच में। अटलांटा की टीम जो कि हमेशा लीड में रहती है, अच्छा परफॉर्मेंस देती है और रेड्स के पास भी अच्छे खासे होम रनर आ जाते हैं। दोनों टीमें 60 मुकाबला खेल चुकी हैं, 60-60 इस लीग में। जहाँ पर परफॉर्मेंस की बात आती है, ब्रेव्स की टीम ने 35 विन किया है, 29 लॉस्ट कर चुकी है। तो रेड्स की टीम ने 60 मुकाबला खेलने के बाद अभी तक विनिंग की है दोस्तों 31 मैचों में, और जे अपना 29 मुकाबला लॉस्ट कर चुके हैं। तो दोनों टीमों की परफॉर्मेंस पे नज़र डालते हैं तो अटलांटा ब्रेव्स की टीम थोड़ी सी स्ट्रांग देखने को मिल सकती है आज का मुकाबला में। तो दोस्तों, 50% जो विनिंग आपकी जे जानने से हो जाती है, बाकी 50% विनिंग है तो वो कैसे होगी वो मैं आपको आगे चल के बता दूंगा। तो इस मैच की जो फाइनल अपडेट है वो मैं आपको देने वाला हूँ टेलीग्राम चैनल पे, जिस पे आपके लिए जुड़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको क्या करना है दोस्तों, नीचे जाना है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको एक नीले रंग का लिंक मिलेगा, लिंक के साथ ज्वाइन हो जाएगा। जे आपके लिए बिल्कुल फ्री है, इसका कोई भी चार्जेस आपको नहीं देना है, बट इसके बेनिफिट हैं जो आपके लिए बड़े रहेंगे। देरी ना करते हुए ज्वाइन हो जाइएगा। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको जे बता दूँ, बेसबॉल सेक्शन में जो बड़ी दिक्कत आती है वो लाइनअप्स की आती है। तो किसी भी लीग को ज्वाइन आप तभी कीजिएगा जहाँ तो आपको कन्फर्म हो कि कौन सा प्लेयर खेलेगा, जहाँ दोस्तों वेट कीजिएगा ड्रीम इलेवन की अपर लाइनअप शॉट होने की। तो बात करेंगे इस वीडियो में कि वो कौन से प्लेयर हैं जो आपके लिए अच्छी पिकअप रहेगी, बढ़िया पिकअप रहेगी, और मिलजुल कर बनाएंगे ड्रीम इलेवन की एक अच्छी टीम, एक बढ़िया टीम। और बात करेंगे पिचर के बारे में, अच्छे कैचर के बारे में, और दोस्तों मैं आपको बताऊँ वो कौन से प्लेयर हैं जो ज़्यादा होम रन लगा चुके हैं। यही नहीं दोस्तों, बात करेंगे कैप्टेंसी ऑप्शन की और फुल डिटेल में आपके लिए वीडियो लाऊं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, अगर आप लास्ट तक देख लोगे तो आपकी जो विनिंग है वो 100% पक्की होने वाली है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों करेंगे शुरुआत आउटफील्डर सेक्शन में से। आउटफील्डर वो प्लेयर होते हैं जो घेरे के बाहर रहकर फील्डिंग करते हैं दोस्तों, पिच से काफ़ी हटकर फील्डिंग करते हैं। इनका मेन काम होता है पिचर के पास बॉल को पहचाना और फील्डिंग करना। ऑजन दोस्तों एक ऐसे प्लेयर आ जाते हैं जो कि अपने लास्ट मुकाबला में एक होम रन लगा चुके हैं, इसके अलावा दो सिंगल लगा चुके हैं। बढ़िया पिकअप रहेगी, अच्छे पिकअप रहेगी, ऑलराउंडर सेक्शन में आउटफील्डर सेक्शन में इसे ड्रॉप करने की गलती मत कीजिएगा। जहां पे विंकर को हम नहीं रहेंगे, विंकर की जगह पर अरुणा अच्छी पिकअप रहेगी। अर्नॉल्ड अकोना दोस्तों एकमात्र ऐसे प्लेयर आ जाते हैं, लास्ट चार मुकाबला में 3 होम रन के साथ दोस्तों 5 डबल लगा चुके हैं, 1 सिंगल लगा चुके हैं। अच्छी पिकअप रहेगी, बढ़िया पिकअप रहेगी, दोनों के साथ मिलकर चलेगा। आउटफील्डर सेक्शन में दोनों को ड्रॉप करने की गलती मत कीजिएगा। तो इनका साथ देनी है जहाँ पे एकोनियो को मैंने ट्राई कर रखा है, कम कैड में अच्छे प्लेयर मिल जाते हैं, आपकी मेंटेन रिस्क बनाते रहेंगे आउटफील्डर सेक्शन में क्रेडिट की। जे प्लेयर ऐसे आ जाते हैं जो कि लास्ट मुकाबला में 2 सिंगल लगा चुके हैं, अच्छा खासा पिकअप दे रहे हैं, अच्छे खासे बेस ऑन हिटर के लिए भी जाने जाते हैं दोस्तों जहाँ पे। तो इन तीनों को पिकअप कर लीजिएगा। अभी बात करते हैं इनफील्डर सेक्शन की। इनफील्डर वो प्लेयर होते हैं जो घेरे के अंदर फील्डिंग करते हैं, पिचर के पास फील्डिंग करते हैं। इनके पास ज़्यादा चांस रहते हैं हमें ज़्यादा पॉइंट रन कराने के। यही रीज़न है कि आउटफील्डर मैंने 3 रहे हैं, इनफील्डर मैंने 4 ट्राई कर रखे हैं। तो जहाँ पे फ्री में इनको ट्राई करेंगे, जो कि अपने लास्ट 4 मुकाबला में 1 स्टोलन बेस लगा चुके हैं, स्टोलन बेस जिसके हमें 8 पॉइंट मिलते हैं। इसके अलावा होम रन तो नहीं लगाया, खैर इन्होंने 4 मुकाबला में, बट डबल जरूर लगा चुके हैं दोस्तों, 4 डबल लगा चुके हैं, 1 रन लगा चुके हैं। तो अच्छी पिकअप रहेगी, बढ़िया पिकअप रहेगी, बड़े प्लेयर आ जाते हैं। इसके अलावा जे बैटो को मैंने ड्रॉप किया, अगर चाहो तो आप ग्रैनली के लिए ट्राई कर सकते हैं, हेड टू हेड या स्मॉल लीग के लिए ट्राई मत कीजिएगा। तो फ्रीमैन के साथ जहां पे पिकअप करेंगे स्वेंसन को, इनके अलावा ए रैली को, और लास्ट में दोस्तों जे गैचिया को ट्राई करने वाले हैं। बात करते हैं जहाँ पे स्वेंसन की दोस्तों, हालांकि लास्ट 4 मुकाबला से टीम से बाहर है, जे मुकाबला खेलने के इनके चांस रहेंगे बिकॉज इंजर्ड हो चुके थे खेल के दौरान, तो इंजरी के बाद कम बैक करेंगे इस मुकाबला में। अपने लास्ट 2 मुकाबला में लगातार 2 होम रन लगा चुके हैं, तो बढ़िया पिकअप रहेगी, इजिली हमें 28 प्लस पॉइंट दिला सकते हैं। इनके बाद ये रैली आ जाते हैं, ये रैली ऐसे प्लेयर आ जाते हैं जो कि दोस्तों डबल और सिंगल के लिए जाने जाते हैं, बड़े बल्ले प्लेयर आ जाते हैं, किसी भी लीग को एक तरफा करके दे सकते हैं। ए रैली भी अपने लास्ट 2 मुकाबला में 1 होम रन लगा चुके हैं, तो इस प्लेयर को भी जरूर ट्राई कर लीजिएगा, कम कैड में अच्छे प्लेयर मिल जाते हैं। इनके अलावा एलवेल्स भी खेलते मिल जाएंगे, कमैरो के भी खेलने के चांस रहेंगे। अगर दोनों खेलते हैं तो दोनों में से किसी एक को ट्राई कीजिएगा, दोनों को सेम टीम में ट्राई मत कीजिएगा। तो बात करते हैं जहाँ पे गे गार्सिया, तो मेरे पास दोस्तों क्रेड का बड़ा इशू था, तो जिसके चलते मैंने इस प्लेयर को ट्राई कर रखा है। हालांकि सिंगल और डबल के लिए अच्छे जाने जाते हैं, पर जहां पे कमैरियो से ऊपर प्लेयर ये नहीं आता है, अगर आपके पास कैड का इशू नहीं रहता है तो जहां पे कमैरगो को ट्राई कर लीजिएगा, अच्छी पिकअप रहेगी, शेप पिकअप रहेगी। जहां पे क्रैचिया थोड़े से रिस्की रहेंगे तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस प्लेयर को ग्रैंड लीग के लिए, जहाँ दोस्तों रिस्की टीम के लिए ही ट्राई कीजिएगा। तो अभी बात करते हैं दोस्तों पिचर के बारे में।
दोस्तों आपकी जो पूरी टीम है वो डिपेंड करती है पिचर के ऊपर। अगर आप पिचर की सिलेक्शन गलत कर लेते हैं तो आपकी जो अच्छी टीम है वो भी लॉस में चली जाती है। तो फोकस कीजिएगा अच्छे पिचर के ऊपर, चाहे आपको क्रेडिट किसी बड़े प्लेयर को ड्रॉप करना पड़े और क्रेडिट का इशू जहाँ पे नहीं आना चाहिए, क्रेडिट के चलते हम किसी बड़े पिचर को ड्रॉप नहीं करेंगे। तो ऐसे में जहाँ पे टी बॉर एक अच्छी पिकअप रहेगी, 7 इनिंग पिचर और से स्ट्राइकआउट के साथ अच्छी पिकअप आ जाती है, बढ़िया पिकअप होती है। सबसे ज़्यादा स्कोर अभी तक अर्न कर चुके हैं दोस्तों पिचर सेक्शन में, तो इस प्लेयर को सभी लीग्स के लिए ट्राई कीजिएगा। बड़े प्लेयर रहेंगे अच्छी पिकअप रहेगी, तो मैं जहाँ पे सुजेस्ट करूँगा आप जितनी टीमें बनाओगे उसमें टी बॉर को ही ट्राई कीजिएगा। तभी करते हैं कैचर की बात। तो कैचर में जहाँ पर मैं आपको सुजेस्ट करूँगा कि ज़्यादातर टीमों के लिए आपने डरनॉट को ट्राई करना है, बिकॉज एकमात्र ऐसे प्लेयर आ जाते हैं जो लास्ट 2 मुकाबला में 1 होम रन लगा चुके हैं, अच्छे बेस ऑन हिटर के लिए जाने जाते हैं, 2 बेस ऑन हिटर लगा चुके हैं। तो अच्छी पिकअप रहेगी, बढ़िया पिकअप रहेगी, सेफ पिकअप रहेगी। इसके अलावा अगर आप रिस्की टीम बनाते हो तो कैजल को ट्राई कर सकते हैं, जहाँ स्टेप्स रन भी अच्छी पिकअप रहेगी। बट फर्स्ट आपके लिए ऑप्शन है जो डर्नॉट, में आपके लिए सुजेस्ट करूंगा। ये दोनों थोड़े से हिट और मिस प्लेयर आ जाते हैं, रिस्की टीम के लिए ही इन्हें ट्राई कर लीजिएगा। अभी बात करते हैं कैप्टेंसी ऑप्शन की। तो दोस्तों कैप्टेंसी में अगर आप हेड टू हेड खेलना चाहते हैं तो उसके लिए मैं सुजेस्ट करूंगा फ्रीमैन को ट्राई कर सकते हैं, अर्जुना को और स्वेंसन, ये तीनों को ट्राई कीजिएगा, तीनों से पिकअप रहेगी हेड टू हेड के लिए। और अगर आप खेलना चाहते हैं ग्रैंड लीग, तो ग्रैंड लीग के लिए पहले सुजेस्ट करूंगा कि ग्रैंड लीग वॉन करने के लिए आप 3 से ज़्यादा टीमों के साथ ट्राई कीजिएगा, एक टीम के साथ ग्रैंड लीग वॉन करना दोस्तों इम्पॉसिबल रहेगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, अकोनियो को ट्राई करना है, गैचिया को ट्राई करना है, रैली को ट्राई करना है और टी बॉर को ट्राई करना है, फ्रीमैन को ट्राई करना है। जे प्लेयर ऐसे प्लेयर रहेंगे दोस्तों जिन्हें लोग टीम में तो ज़्यादा ट्राई करेंगे, बट इनके कैप्टन बनने के चांस जो बहुत कम रहेंगे। और फाइनल टीम के लिए वेट कीजिएगा लाइनअप शॉर्ट होने का। और दोस्तों मैं आपको फाइनल टीम टेलीग्राम पर दे दूँगा अगर अच्छे से लाइनअप शॉर्ट होती है। और आपको एक बार बता दूँ, अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर दीजिएगा, और जहाँ पर आप आ सकेंगे बेसबॉल के अलावा क्रिकेट, फुटबॉल, एनएफएल सभी तरह की प्रेडिक्शन, तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।